तस्वीर रूपनगर के मोरिंडा दी हैं जिथे कि पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की उलंघना करने लैके मोरिंडा पुलिस वालों फिल्मी एक्ट्रेस उपासना सिंह समेत शूटिंग की टीम के 14 मैंबर खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुँच के ही उपासना सिंह से शूटिंग टीम को हिरासत में भी ले लिया है। दरअसल द कपिल शर्मा शो में भूआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह आज मोरिंडा की एक खंड मिल विखे किसी फिल्म की शूटिंग करने लिए पहुंची हुई थी। जब इस गल की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उत्थे छापेमारी करके इन्हों हिरासत में लिया है। लॉकडाउन की उलंघना के दोष हेठ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस संबंधी जब इन्हों शूटिंग संबंधी किसी इजाजत लैन संबंधी दस्तावेज पेश करने लिए कहा गया तो कोई भी दस्तावेज इन्हों को मौजूद नहीं सी, जिस तो बाद फिल्मी अदाकारा उपासना सिंह समेत 14 होर शूटिंग मैंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO सिटी मोरिंडा इंस्पैक्टर विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तुम दस दिए कि इस तो पहला जिमी शेरगिल के खिलाफ लुधियाना गिप्पी गरेवाल के खिलाफ बनूट थाने भी लॉकडाउन की उलंघना करने के मामले में मामला दर्ज किया गया से। दोवें अदाकार भी लॉकडाउन के दौरान ही शूटिंग कर रहे सन। उपासना सिंह दे टीम दे कादे कादे किनू लेके पर्चे दर्ज होए जी सर की इंफॉर्मेशन मिली थी भी अदा करके कोई शूटिंग हो रही है बिना परमिशन से जिस दे आधार पे असि उठे जाके पहुंच के कार्रवाई की थी इस दे संबंध में FIR नंबर आकार दर्ज की थी आगे जड़ी तफ्तीश है उधर केडी फिल्म चल रही थी उन्होंने कोविड की उलंघना करी है या होर कुछ कोविड की परमिशन सी उन्होंने कोल नहीं जी अभी फिलहाल कोई ऐसा ना ब्लैक एंड वाइट सामने नहीं आया कि उन्होंने कोई परमिशन दी पर जिन्ना सानू पता उन्होंने कोई परमिशन है नहीं कुछ चलेगी टीम जो इतनी है जी नहीं हूँ तो बंद है। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की रिपोर्ट पंजाब टुडे।